बलरामपुर में कुछ दिन पहले हुई सपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने पप्पू की हत्या के मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को बेटी जेवा रिजवान और दामाद रमीज खास सहित 6 गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। आरोप है कि रिजवान जहीर ने अपने ही 2 करीबी शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या कराई है। पुलिस ने 3 लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे जेल भेज दिया है। हत्या करने की फिराक में थे, उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, तो इन दोनों के पास से जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त है एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है मेराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज है और सांसद हैं इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है, और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट में टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी, और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए, और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। पूर्णता है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है, और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें, एक जो बाहुबली ये पहपुर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि ये कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ है। रमीज और रिजवान जहीर के खिलाफ हमने पिछले साल भी जो पंचायत चुनाव था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, घटना पोल वायलेंस में के द्वारा क्या कहते हैं घटना कारित हुई थी और उनके ऊपर क्या कहते हैं NSA भी लगाया गया था। गौरतलब है कि रिजवान जहीर को अक्टूबर 2021 में फिर से सपा में लाए थे। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद ने राजनीतिक रसूख के लिए फिरोज पप्पू की हत्या कराई है। फिरोज उनकी बेटी के टिकट पाने की राह में रोड़ा बन रहे थे और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए पूर्व सांसद और उसके परिजनों ने साजिश कर भाड़े के हथियारों से पूर्व अध्यक्ष की हत्या कराई है। ये पहला मौका नहीं है जब रिजवान जहीर गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान रिजवान पर योगी सरकार को रसूखा के तहत कार्रवाई की थी। रिजवान जहीर को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और आगजनी कराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।